लॉकडाउन के चलदियां पंजाब सरकार ने पंजाब के मामले में वाधा करने लई शराब के ठेकों को खोलन की इजाजत दिती है, पर जिला फाजिलका की गल की जाए तो जिले भर में शराब के ठेकेदार ठेके खोलन नू तैयार नहीं हैं। इन्हां ठेकेदारां दा कहना है कि सरकार साडी डेली सेल के हिसाब नाल किश्त लवे ताकि उन्हां नू आर्थिक नुकसान ना होवे। मल्होत्रा ग्रुप के ठेकेदार राजेश कुमार ने गलबात करदिया होया दस्या कि जिला फाजिलका के हबोर ते फाजिलका की डेली किश्त 25 लाख रुपया है, पर सरकार वालों घट समा दिते जाण दे चलदिया इन्नी सेल हो पाना मुश्किल है, जिस करके उन्हां दा काफ़ी नुकसान हो रहा है। फाजिलका, हबोर, फरीदकोट भी है, वैसे बठिंडा भी है जी, मल्होत्रा ग्रुप तो जी। क्यों नहीं ठेके खोले जा रहे सरकार ने? सर जो साढ़े को फाजिलका तो हबोर तो मैं देखता कारोबार, इतों की डेली की किस्त 25 लाख रुपये है, तो खर्चे वक्रे, शराब भी असं मुल लैके आनी है, तो 6-7 घंटे उस सवेर के टाइम लोग पाठ पूजा पाठ करते हैं, ये कहते शराब लै बिकदी है गुड्डी, शराब जो है शाम में ही बिकती है, पर शाम को शराब बेचन का कोई इन्होंने प्रावधान नहीं रखा हुआ, तो इस करके असं ठेके नहीं खोल रहे, ना इन्ने पैसे वटे जा सकते इन्ने इस टाइम। जी ऑनलाइन डिलीवरी की गल की जाती सर, ऑनलाइन डिलीवरी सानू देना बहुत औखा है, जानी कि असी लेके असी शराब लेके जाइए, कहीं लेडीज़ होंगे हैं वो, लेडीज़ तो आम करके रोक दी हैं शराब पीनू आते मर्द नू, ते वो शराब शराब पकड़न गई हैं। 3 मैंबरी सरकार वालों कमेटी बनाई गई है, तो असली उन्होंने संतुष्ट नहीं गए सर? 3 मैंबरी रिपोर्ट अज आए कि महीने आए, उसनू साढ़े साढ़े असी पैसे कितों भर देंगे? उन्हें 3 मैंबरी कमेटी का की पता साढ़े हक च फैसला दे रही है कि साढ़े तो उल्ट दे रही है? की मांग है तुहाडी सरकार कोल? सर जिन्ने टाइम साडा ठेके खुलते हैं उस ना साडी किश्त बनाई दे जावे, लोग अज डेट शराब पीणगे कि आधा राशन लैके उन्हां दे घरे, दुकाना खुल नहीं रही, कमाई हो नहीं रही किसी, जे कमाउणगे फिर ही शराब के पैसे खर्चणगे। तुसीं की मांग करदे हो, किस तरह की किश्त बनाई जाए? सर सर ये यही किया जाए, यानी कि पहला महीना चला के देखा जाए कारोबार, सानू डेली बेस पर जिन्नी शराब बिकी उन्नी सानू फीस लिती जाए, साढ़े कोटे का भोजना पाया जाए। उत्थे इस बारे रमेश कुमार ने दसिया कि शहर भर के देसी ते नजायज शराब वेचन वालों का धंधा जोरों उत्ते है, सरकार नू ठेकेदारां दा ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज एक्ट विच सुधार करना चाहिए है, ताकि ठेकेदारां अते सरकार नू चंगा मालिया प्राप्त हो सके। कहना तो यह है जी, पंजाब सरकार नू चाहिए सिलसिलेवार तरीके नाल, जिदा कि जिदे विच कि शराब के ठेकेदारां नू कोई नुकसान ना होवे, और आम जनता भी जिहड़ी गलत शराब 2 नंबर की शराब आ रही है, कच्ची शराब आ रही है, और पता नहीं की इत्थे सप्लाई हो रहा है, लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ हो रहा है, एक शराब दियां गलत नीतियां या सरकार दियां गलत नीतियां दे कारण जिदे विच कि ठेकेदार नुकसान हुंदा है, तां उहदा कोई बह के उहदा हल कढ़िया जावे, तां जो आम जनता जिहड़े कि खाण पीण वाले ने उह गलत दूजे पासों बाहरों लैंदे आ 2 नंबर दी लैंदे आ, जिहदे नाल उहनां नूं सेहत ते वी नुकसान हुंदा है और वित्तीय नुकसान भी हुंदा है। असीं तां इह चाहवांगे सरकार जे कोई ठेकेदारां दा लॉस है तो उहदी उहनां नूं पूर्ति कीती जावे, और सही ढंग नाल COVID-19 दे रूलां दे हिसाब नाल वो शराब शहरां विच दित्ती जावे, और मानयोग अफसरां अगे भी ये अपील है भी खाण पीण वाले लोग अपना जुगाड़ किधरों ना किधरों कर ही लैंदे ने, वो चाहे गलत रस्ता होवे या कोई होवे, वो गलत रस्ते की बजाए क्यों ना सरकार एक सही रस्ता लभ के सही राह लभ के ते उहनू नियम नू लागू किया जाए, ठेकेदारां दी भरपाई भी हो जाए, आम पीण वाले लोग भी जिहड़े ने खाण वाले लोग भी ने उन्हां नू भी सही चीज़ मिल जाए, ता जो ये कमी जो है लोगों नू सेहत नाल नुकसान हो रहा है वो उहदा भरपाई की जा सके। मैं वारी वारी प्रशासन अगे भी ये दरखास्त करांगा बई जिहड़ी 2 नंबर की शराब आ रही है या कच्ची लान बिक रही है इहदे ते भी रोक लाई जाए, ता जो सही चीज़ लोगों नू मिल सके, जिहदे नाल उहनां दी सेहत दा भी नुकसान ना होवे, बीमारी भी कोई ना लगे, ते सरकार नू भी राजस्व की प्राप्ति होंदी रहे।